मेरा नाम राजकुमार उर्फ बबलू है। मेरे पिताजी का नाम श्री छोटेलाल जी है। मैं यहाँ पे फरीदापुर में निवास करता हूँ और मेरा जो पुस्तैदी काम जो फार्मिंग का खेती का है वो मैं मेरे दादा मेरे पिताजी करते आए हैं, वही बोई कर रहा हूँ। मेरे पास करीब तकरीबन 80 बीघे ज़मीन कर रहा हूँ। मैं वेजिटेबल सब्जियाँ भी उगाता हूँ, गन्ना भी करता हूँ, गेहूँ भी उगाता हूँ, धान भी उगाता हूँ। जो अपने यहाँ समय के अनुकूल जो फसलें होती हैं मैं सारी फसलें लगभग कोशिश करता हूँ सारी उगाऊँ। ये ट्रैक्टर से हमने पहले ये नाली बनाई है, नाली और ये बीज हमने ये इसका ये बीज काटने का ये औजार है। इससे हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कटवा रखा है। इसके दो ये पौधा उगाने का दो ये किल्ले ये दे रखे हैं, इसमें दो पौधे उगेंगे। और ये नीचे हमने उर्वरक जो है खाद जो है एनपीके केमिकल्स पड़ता है इसमें उर्वरक खाद वो हमने डलवाए हैं पहले। उसके बाद में ये बीज बोया जाएगा, बो रहे हैं हमारे वर्कर। और उसके बाद में इसमें हल्की सी मिट्टी डाल दी जाएगी और मिट्टी डालने के उपरांत इसमें पानी लगाया जाएगा जिससे कि प्रॉपर नमी बनी रहे। और उसके उपरांत में करीब तकरीबन 20 या 25 दिन में ये जम उग के आ जाएगा। उगने के बाद में ये किल्ले लेना शुरू कर देगा, इसमें निराई होगी, केमिकल 50 दिन के बाद में इसमें खाद दोबारा जो इसकी खुराक होगी उर्वरक की वो डलवाएंगे और उसके बाद में निराई होगी। निराई के बाद में ये धीरे धीरे ये सिस्टम में आता रहेगा और काम चलता रहेगा।